today aaj ke din we are going to see how the lord will build our lives through the promises of god hum dekhenge ki kaise parmeshwar apni pratigyaon ke dwara hamare jeevanon ka nirman karega if you read the word of god यदि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें, go through many, many promises, तो आप बहुत सी प्रतिज्ञाओं को देखेंगे जॉन यूहन्ना 14:13-14 14 अध्याय उसका 13 और 14 पर The Lord says, if you call me by my name, I will do everything for you. प्रभु कहता है यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा इफ यू कॉल हिम बाई हिज नेम जीसस कम And help me, he will do it. यदि आप उसका नाम पुकार कर उसे कहेंगे यीशु आकर मेरी सहायता कर तो वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा In the same way, we are going to meditate Isaiah chapter 41 verse 10. इसी प्रकार से हम देखेंगे यशाया की पुस्तक 41 अध्याय उसके 10 पद को There we read, the Lord says, यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु कहता है Fear not, मत डर Fear not, मत डर Fear not, मत डर For I am with you, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ I the Lord is with you, मैं परमेश्वर तेरे संग हूँ Be not dismayed, इधर उधर मत ताक I am your God, मैं तेरा परमेश्वर हूँ I will strengthen you and help you, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा I will uphold you with my righteous right hand. मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा This is the promise. यह प्रतिज्ञा है We are going to see how the Lord is going to fulfill that promise. हम देखेंगे कि परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को किस प्रकार से पूरा करेगा He will strengthen you and help you. वह आपको दृढ़ करेगा और आपकी सहायता करेगा If you read Psalm 46 verse 1, यदि आप पढ़ें भजन संहिता 46 उसका एक पद David writes, God is our refuge and strength. तो दाऊद लिखता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है A very present help in trouble. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक Today you might have come with many kinds of troubles. हो सकता है आज आप बहुत सी परेशानियों के साथ यहाँ आए हैं Many sickness. बहुत सी बीमारियों के साथ आए हैं And financial crisis. और आर्थिक संकट के साथ यहाँ आए हैं And loneliness. और अकेलेपन के साथ यहाँ आए हैं Loss of some loved one. हो सकता है आपने अपने किसी प्रियजन को खोया हो He has come to deliver you, my brother, my sister. मेरे भाई मेरी बहन वे आपको छुटकारा देने के लिए आया है क्या आपको विश्वास Do you believe है that? क्या आपको विश्वास है Hallelujah. 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 And Psalm 34:6 David writes और भजन संहिता 34 उसके 6 पद में दाऊद लिखता What है did he do? उसने क्या किया He cried out. उसने पुकारा He cried out to the Lord. उसने परमेश्वर को पुकारा Lord, come and help me. प्रभु आकर मेरी सहायता कर. Deliver me from all my trouble. मेरी सारी परेशानियों से मुझे छुटकारा दे When he cried out, the Lord heard him and saved him. और जब उसने पुकारा तो परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और उसे छुटकारा दिया And he saved him out of all his troubles. उसने उसे उसकी सारी समस्याओं से छुटकारा दिया When Jesus was in this world, जब यीशु इस जगत में था he went through Jericho one day. तो एक दिन वह यरीहो में से होकर गया We read about it in Mark 10:46. इसके बारे में हम मरकुस 10 उसके 46 पद में पढ़ते हैं Luke 18:35. और लूका 18 अध्याय उसके 35 पद में he was passing that side. वह वहाँ से होकर जा रहा था As you all know, many people were following him. और जैसे कि हम जानते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ There was a big noise. और वहाँ बहुत शोर था There was one blind man. लेकिन एक अंधा व्यक्ति वहाँ पर था His name was Bartimaeus. उसका नाम बर्तिमेई था He was blind. वह अंधा था He could not see. वह देख नहीं सकता He था was in trouble. वह परेशानी में so था he cried out. और उसने पुकारा Somebody said, Jesus is going. किसी ने उसे बताया कि यीशु यहाँ से होकर जा रहा है He cried out. उसने पुकारा यीशु सन ऑफ डेविड दाऊद के पुत्र हेल्प मी मेरी सहायता कर हेल्प मी मेरी सहायता कर डिलीवर मी और मुझे छुटकारा दे यू आर आल्सो गोइंग थ्रू ट्रबल यदि आप भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं जस्ट लाइक दैट क्राई इन योर हार्ट तो इसी प्रकार से आप भी अपने हृदय में पुकारें लॉर्ड कम एंड हेल्प मी फादर प्रभु आकर मेरी सहायता कर I am going through terrible time. मैं बहुत कठिन समय में से गुजर रहा हूं I am not able to build my house. It is मैं अपने घर का निर्माण पूरा नहीं कर पा रहा हूं It is halfway through.
मैं इसे आधा ही बना पाया हूँ। नो मनी, अब मेरे पास पैसा नहीं है। नो प्रमोशन, तरक्की नहीं मिल रही। नो पीस, कोई शांति नहीं है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल्स, कई प्रकार की समस्याएं हैं। व्हेन बर्तिमाई हैज क्राइड आउट, और जब बर्तिमाई ने पुकारा, द डिसिपल्स एंड अदर पीपल हु आर सराउंडिंग जीसस, तो यीशु के शिष्य और अन्य लोग जो वहां पर यीशु के चारों ओर थे, आस्क्ड हिम नॉट टू क्राई, उन्होंने उसे चुप होने के लिए कहा। डोंट शाउट, मत पुकार। कीप क्वाइट, चुप हो जा। They were men. वे भी मनुष्य थे। They don't know the trouble of that man. लेकिन वे उस मनुष्य की परेशानियों को नहीं समझ रहे थे। How much he was having problem in his heart. उसका दिल कितना परेशान था। He thought, उसने सोचा, This is the only time. केवल यही मौका है। This is the only time I can be relieved from my blindness. केवल यही मौका है जब मुझे मेरे अंधेपन से छुटकारा मिल सकता है। So he cried out more and more and more. और इसलिए उसने और भी ऊंची आवाज में पुकारा। Jesus, यीशु, Son of David, दाऊद के पुत्र, Help me, Father. मेरी सहायता कर पिता। Help me. मेरी सहायता कर। And you know what happened then? और जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? Jesus, full of love and compassion. यीशु प्रेम और तरस से भरकर stood still. वही खड़ा हो गया। Stood still. वही खड़ा हो गया। Even today. आज भी। While you are crying for help. जब आप सहायता के लिए पुकार रहे हैं। Jesus will hear that. यीशु इसे सुनेगा। And he will stand near you. और वह आपके पास आकर खड़ा होगा। He'll come and stand near you, my brother, my sister. मेरे भाई, मेरी बहन, वह आकर आपके पास खड़ा होगा। Believe that. इस पर विश्वास करें। The same Jesus. वही यीशु। Who stood still when he heard the cry of Bartimaeus. जो बर्तिमाई की पुकार को सुनकर वहीं पर रुक गया। Have mercy upon me. बर्तिमाई ने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। Have mercy upon me. मुझ पर दया कर। Jesus could not bear that voice. यीशु उस पुकार को सह नहीं पा रहा था। Perhaps inside his heart he would have cried. अपने हृदय में निश्चित रूप से वह रोया होगा। Oh, my son is suffering like this. Oh, मेरा बेटा इस तरह के दुख में है। Who will help him? कौन उसकी सहायता करेगा? Let me go and help him. मैं जाकर उसकी सहायता करूंगा। He asked the people to bring him immediately. और उसने लोगों से कहा कि वे तुरंत उसे उसके पास लेकर आएं। When he came near him, जब वह उसके पास आया, just said, तो उसने केवल इतना ही कहा, my son, मेरे बेटे, go your way. चला जा। Go your way. चला जा। Your faith have made thee whole. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। Immediately he received his blessing. और तुरंत उसने अपनी आशीष को पा लिया। He was able to see after that. इसके बाद वह साफ साफ देखने लगा। I believe that God is touching every one of you. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप में से प्रत्येक जन को छू रहा है। Those who are crying to the Lord. जो लोग प्रभु को पुकार रहे हैं। The unchanging God is here right now. वह कभी ना परिवर्तित होने वाला परमेश्वर इस समय यहाँ उपस्थित है। Whatever problem you are having in your body, soul and mind. आपके शरीर में, मन में, आत्मा में जो भी समस्या है, The Lord knows that. प्रभु उसे जानता है। You are crying from the heart. आप दिल से उसे पुकार रहे हैं। Lord, प्रभु, Son of David, दाऊद के पुत्र, Have mercy upon मुझ पर दया कर। Right now, इसी समय, right now, इसी समय, believe, विश्वास करें, believe, विश्वास करें। The same Lord who delivered Bartimaeus, वही प्रभु जिसने बर्तिमाई को छुटकारा दिया, and made him able to see everything, और उसे सब कुछ देखने में सक्षम बनाया। He is giving you all that you need, वह आपकी भी सारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। Philippians 4:19 says, फिलिप्पियों 4 उसका 19 पद कहता है, My God shall supply all your need according to His riches in glory through Christ Jesus. मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करेगा। In Chennai, in one of our meetings, one lady came there as partially blinded person. चेन्नई में हमारी एक सभा के दौरान एक औरत वहाँ पर आई जिसे बहुत कम दिखाई देता था। She came all alone. वह अकेली वहाँ पर आई थी। Nobody came along with her. कोई उसके साथ नहीं आया था। When she heard about the meeting through the television advertisement, और जब उसने टीवी विज्ञापन के द्वारा इस सभा के बारे में सुना, she said, "Let me go to that meeting." उसने कहा, मैं इस सभा में जाऊंगी। If I cry to the Lord, यदि मैं प्रभु को पुकारूंगी, He'll surely help me. तो वह निश्चित रूप से मेरी सहायता करेगा। He'll give me all the blessing. वह मुझे सारी आशीषें देगा। Especially He will make me see everything. विशेषकर वह मुझे सब कुछ देखने की सामर्थ्य देगा। And she came to the meeting with so much desire in her heart. और वह अपने हृदय में इस गहरी इच्छा के साथ उस सभा में आई। When she came to the meeting, और जब वह सभा में आई, she could not find her way.
तो वह रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। She was searching for a seat like this. वह बैठने के लिए इसी तरह की एक जगह ढूंढ रही थी। All our volunteers helped her to sit in a place. और हमारे एक वॉलंटियर ने उसे बैठने में सहायता की। She heard the preaching. और उसने प्रचार को सुना। And the word of God made her realize that God is going to heal her that day. और परमेश्वर के वचन ने उसे महसूस कराया कि उसी दिन परमेश्वर उसे चंगा करने जा रहा था। She is going to be delivered surely 100%. That was her belief. वह निश्चित रूप से 100% चंगाई पाने जा रही थी, उसका यह विश्वास था। She believed that. उसने इस पर विश्वास She believed that. किया। उसने इस पर विश्वास She believed किया। that. उसने इस पर विश्वास This किया। is the only thing you need to get all the help from the Lord. परमेश्वर से संपूर्ण सहायता पाने के लिए आपको केवल इसी चीज की आवश्यकता And है। When she heard the word of God, और जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना she was strengthened in her faith. तो उसके विश्वास को बल मिला। And when the prayer was going, और जब प्रार्थना की जा रही थी, she said, "Lord, thank you for touching me." तो उसने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो मुझे स्पर्श करने के लिए। Deliver me from this problem. मुझे इस समस्या से छुटकारा दे। Let me see you, Father. मैं तुझे देखने पाऊँ पिता। Open my blind eye. मेरी अंधी आँखों को खोल दे। Let me see 100%. मैं 100% देखने पाऊँ। And the Lord, in His great mercy, deliver her right now. और प्रभु ने अपनी महान दया के कारण उसी समय उसे छुटकारा दिया। He delivered her right then. उसने उसी समय उसे छुटकारा दिया। Hallelujah. Hallelujah. Yes, shall we all give clap offering to our precious Lord? आइए हम सब अपने प्यारे प्रभु को तालियों की भेंट चढ़ाएं। And when the time for testimony came, और जब गवाही देने का समय आया, she came to the stage with a happy face. तो वह मंच पर आई और उसके चेहरे पर खुशी थी। And she said, और उसने कहा, I am healed. मैं चंगी हो गई हूँ। I was blind. मैं अंधी थी। Now able to see. लेकिन अब मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ। When I came, I never knew what color saree sister is wearing. जब मैं यहाँ पर आई थी, तो मैं देख नहीं पा रही थी कि बहन ने कौन से रंग की साड़ी पहन रखी है। But I could see her. She is wearing green saree. लेकिन अब मैं उन्हें देख रही हूँ, उन्होंने हरी साड़ी पहन रखी है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is full of love and mercy and compassion. परमेश्वर प्रेम, दया और करुणा से भरपूर है। In His love towards you, He is removing all the troubles from your family or from your own life. आपके प्रति अपने प्रेम के कारण वह आपके परिवार में से और आपके जीवन में से भी सारी परेशानियों को दूर कर रहा है। What a good Lord we have. हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। The same thing He'll do today to you, my brother, my sister. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के दिन वह आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। Hallelujah. I know many of you might have come to receive the peace of God. मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग परमेश्वर की शांति को पाने के लिए यहाँ आए होंगे। Even before coming to the meeting, you might have had so many problems in your home. और हो सकता है इस सभा में आने से पहले आपके घर में बहुत सी समस्याएं हों। Now according to the word of God, लेकिन अब परमेश्वर के वचन के अनुसार, you are receiving the peace of God. आप परमेश्वर की शांति को निश्चय पा रहे हैं। The Lord is touching every one of you. परमेश्वर आप सबको छू रहा है। Shall we all say hallelujah? आइए हम सब जोर से कहें हालेलुया। Our precious heavenly Father, हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, What a blessed people we are, हम तो कितने आशीषित लोग, To have Jesus with us always, कि यीशु हमारे साथ हमेशा रहे, Father, पिता, You are a God who has promised many things in the Word of God. तो ऐसा परमेश्वर है जिसने वचन में बहुत सी बातों की प्रतिज्ञा की है। We people have to follow that law. हमें उनका अनुकरण करना है प्रभु। Give that grace to your children, those who are following. अपनी संतान जो कि तेरे पीछे चल रही है, उन पर यह अनुग्रह कर। Those who are praying along with me. जो मेरे साथ में भी प्रार्थना कर, उन पर अनुग्रह कर। Father, touch each one. पिता हर एक को छू ले। Open their heart. इनके दिल को खोल दे प्रभु। Open everybody's heart. हर एक के दिल को खोल दे। Whether they are young or old. चाहे वो बढ़े वो चाहे वो बूढ़े right जवान हो या बच्चे हो, इनके दिल को खोल दे with your peace. और प्रभु इनको अपनी शांति से भर दे, with the divine strength from your life. अपने जीवन से प्रभु बड़ा बड़ा बल दे, with all the blessings of God. और प्रभु की सारी आशीष let them be filled right now, oh Father. और अभी ये भर जाए पिता, open the windows of heaven and supply their needs, oh Father. स्वर्ग की झरोखे खोल प्रभु, इनकी जरूरतों को पूरा कर right now. अभी इसी समय right now. अभी इसी समय speak to your children. अपने बच्चों से बात Speak to your children. अपने बच्चों से बात Let them all look to you. और ये सब तेरी ओर देखे. Let them all look unto you. ये सब तेरी ओर देखते जा. You are the God who can supply all these things. तू ऐसा परमेश्वर है जो इन सारी बातों का प्रयोजन करता है. And fill them, Lord, right now with your divine peace. और प्रभु इन लोगों को अपनी अलौकिक शांति से भी भरते. And strengthen their body, soul and mind, oh Father. और हे पिता, इनके
आत्मा मन और शरीर को तुम बल देते चले जाओ। प्रॉमिस दैट यू विल स्ट्रेंथन योर पीपल। प्रभु तूने प्रतिज्ञा की है कि तू अपने लोगों को बल देगा। नाउ डू इट इन द लाइव्स ऑफ योर चिल्ड्रन ओ फादर। हे पिता अभी अपने लोगों के जीवन में इसे कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। लेट देम रिसीव इट। और ये इसे पाएं। चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर की संतान। द लॉर्ड इज फिलिंग यू विद हिज पीस। परमेश्वर अपनी शांति से आपको भर रहा है। डिवाइन स्ट्रेंथ। अपने अलौकिक बल से। डोंट से दैट यू आर वीक स्टिल। आप ये मत कहिए कि मैं अभी भी कमजोर हूं। स्ट्रेंथ इज कमिंग फ्रॉम हेवन। नहीं अभी आपका बल स्वर्ग से आता है। डिवाइन स्ट्रेंथ। अलौकिक बल। हेल्प यू टू कम आउट ऑफ ऑल योर वीकनेस। आपकी हर एक कमजोरी से आपको बाहर निकलने में मदद करता है। आपके शरीर की कमजोरी से। वीकनेस इन द माइंड। आपके मन की कमजोरी से। वीकनेसेस इन द लाइफ। आपके जीवन की कमजोरी से। गॉड इज रिमूविंग एवरी सच थिंग। हर एक ऐसी बातों को परमेश्वर दूर कर रहा है। एंड यू आर स्ट्रेंथनड इन द लॉर्ड। और आप प्रभु में बल पा रहे हैं। स्ट्रेंथनड इन द लॉर्ड। प्रभु में बल पाते हैं। यू आर रिसीविंग इट राइट नाउ। आप अभी से पा रहे हैं। गॉड इज फिलिंग यू विद ऑल हिज डिवाइन पीस। परमेश्वर अपनी सारी अलौकिक शांति से आपको भर रहा है। As you are receiving, जैसे आप इसे पा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। से थैंक यू लॉर्ड। से थैंक यू लॉर्ड। कहे धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। Go on saying thank you Lord. धन्यवाद प्रभु। And the Lord will be pleased with you. और प्रभु आपसे प्रसन्न। The Lord will be pleased with you. प्रभु आपसे प्रसन्न। He'll accept your thanks. वो आपके धन्यवाद को स्वीकार करेगा। And give you all his blessings. और आपको ये सारी आशीष देगा। Hope you have received all these blessings right now. आशा है कि अभी तक आपने ये सारी आशीषें पा ली हैं। Those who have received this blessing. और जिन लोगों ने ये आशीष पाई जैसे ये आशीष लॉर्ड थैंक यू धन्यवाद थैंक यू प्रभु धन्यवाद आई विल फॉलो यू विद ऑल माय हार्ट मैं अपने पूरे दिल से तेरे पीछे चलूंगा एंड ग्लोरीफाई हिज नेम और तेरे नाम को महिमा दूंगा जीसस नेम वी प्रे यीशु के नाम में प्रार्थना आमेन 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 आमेन